हम मेवाड़ी सैनिक सदैव आशा और सत्य के दीप बने रहेंगे। हम मेवाड़ी योद्धा जहां भी जाएंगे भला ही करेंगे। हम ऐसे बनेंगे कि लोग अपने संकट के समय में भी हमारी ही आस करें। एक सच्चे योद्धा की भांति हम आत्मसम्मान, सत्यनिष्ठा, न्याय और सही और गलत की पहचान को सदैव महत्व देंगे। ये सभी आदर्श दिखावा नहीं अपितु हमारी जीवन शैली बनेंगे। हुकुम हम प्रताप सिंह अपने जीवन की अंतिम श्वास तक इन सभी मूल्यों और आदर्शों का पूर्णतः निर्वहन करेंगे कुंवर प्रताप की। सेनापति कुंवर प्रताप, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की, जय किंग जी की, जय मेवाड़, जय मेवाड़, वीरों के साहस की जो प्रताप है, जय 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 जिसकी प्रताप है। फेंक दो इन चारों की लाशें उस जंगल में, फेंक दो, खाने दो चील कबूतर और गिद्धों को, फेंका चार चार हथियार बंद घुड़सवार फौज के सिपाही, चार चार एक मासूम बच्चे के हाथों हार जाते हैं, मारे जाते हैं। आठ आठ कोई हक नहीं है इन्हें कायदे के साथ दफन होने का, कोई हक नहीं है। ले जाओ इन्हें, करो हमारी नजरों से दूर, ले जाओ, ले जाओ। हुजूर आला का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, आपकी दुआ से हमने अपने साथ एक ऐसे शख्स को मिला लिया है जो हमें भीलों के करीब बहुत जल्द पहुंचा देगा। कौन है? हुजूर, उसका नाम नत्था है। हमें किसी का नाम जानने में दिलचस्पी नहीं है। हुजूर, हमने ये उड़ती उड़ती खबर सुनी है, ये जो नत्था है ये भीलों के सरदार राणा खेता के बहुत करीब है। पूर्वजों की ये तलवार भील सरदार को आप सम्मान पूर्वक भेंट कीजिए। पापा रावल की ये तलवार उन्हें हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की प्रेरणा दे। अपना ध्यान रखिए रानी मां। हमने आपके सभी विशिष्ट दासियों को निर्देश दे दिया है कि जब तक हम लौट कर नहीं आ जाते
वे आपके खाने पीने विश्राम सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि अब आपने व्रत उपवास आदि किसी के भी नाम पर भोजन नहीं किया तो जान लीजिएगा रानी माँ, हमें पता चल जाएगा। देख रहे हैं राणा जी, आपने इन्हें सेना में क्या सम्मिलित किया, ये तो हम पर ही गुप्तचर बिठाने लगे। योनता भाई जी, ये सब इन्होंने हमारी अनुमति से किया। वर प्रताप, अब हमें चलना चाहिए। रावत जी सैनिकों के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलते हैं मंजिल में, चलते हैं छोटी माँ। आज्ञा दीजिए रानी। ये लीजिए जयंता भाई जी, संदेश, किंतु ये आप हमारे जाने के बाद पढ़िएगा। चलते हैं। जीजा जीजा, आज आप मेवाड़ की सबसे भाग्यशाली राजपूतानी बन गई। आपने एक साथ अपने पति और पुत्र का युद्ध तिलक किया है। सच्चा भाई, भाग्यशाली तो हम। मेवाड़नाथ की जय, मेवाड़नाथ की जय, मेवाड़नाथ की जय, गौर प्रताप की जय, गौर प्रताप की जय, गौर प्रताप की जय, गौर प्रताप की जय। जी आइए 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 नत्था जी, आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद, वाह 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 वाह। नत्था जी, आपने यहाँ आने की जो जहमत की है उसके एवज में हम आपको एक एक छोटा सा नजराना पेश करना चाहते हैं, कबूल फरमाइए। ये वाह वाह। हम भील हैं बहराम खान जी, हमें इतनी सरलता से कोई नहीं खरीद सकता। अरे कमाल है, आसानी से कहा मत्था जी, आसानी से कहा। ये जो आपकी इज्जत अफजाई में हमने आपको सोने की अशर्फियों का जो हार पहनाया है, इसकी एक एक अशर्फी खास तौर से आपके लिए डाली गई है, और अगर आप गौर से देखेंगे ना तो इसकी एक अशर्फी से आपकी साल भर की रसद का इंतजाम हो सकता है। और तो और, हमने आपके सभी साथी भीलों के लिए ऐसे अशर्फियों के हार तैयार रखे हैं। बस आपकी दोस्ती का हाथ हमारी तरफ बढ़ जाए। ठीक है बहराम खान जी, मैं आपको अपने सरदार से मिलवा देता हूँ, लेकिन आप जो चाहते हैं वो सरदार देगा ही, मैं ऐसा कोई वचन नहीं दे सकता। अरे नत्था जी, आप दोस्ती का मौका तो दिलवाइए, आगे अल्लाह मालिक है। वाह रावत जी वाह, अति उत्तम योजना बनाई है आपने। इससे पहले कि बूंदी सेना को पता चले, हम उन्हें घेर कर उन पर आक्रमण कर सकते हैं। बहुत अच्छे, इससे इस युद्ध में हमारी स्थिति उनसे अच्छी रहेगी। किंतु राणा जी, हमारी इस योजना में एक समस्या है। कैसी समस्या रावत जी? पौजीरा, समस्या यह है कि इस योजना के अनुसार बूंदी को चारों ओर से घेरने के लिए पर्याप्त सैन्य बल नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा आधा सैन्य बल आपके साथ
भीलों की ओर चला जाए। तो ठीक है रावत जी, हम कोई दूसरी योजना बनाते हैं। दूसरी योजना क्यों दाजीराज? ये योजना ठीक तो है। किंतु बाजीराज, अपेक्षित संख्या में सैनिकों की नियुक्ति करना, फिर उन सभी सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना, इस सभी प्रक्रिया में बहुत समय निकल जाएगा। इसकी आवश्यकता ही कहाँ है रावत जी? आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम ठीक कह रहे हैं दाजीराज, भीलों के पास जाने के लिए हमें सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। गुमेरु, चित्तौड़ से अब तक कोई समाचार क्यों नहीं आया? चित्तौड़ के किले में कोई गतिविधियां क्यों नहीं हो रही है? और यदि हो रही है, इस बात के समाचार भी हम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? हमारे सामान्य ज्ञान अनुसार तब तो चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर सैनिकों को तैनात हो जाना चाहिए था। बात क्या है गुमेरु? चिंता मत कीजिए हुकुम, अभी हमारे गुप्तचर चित्तौड़ की पूरी युद्ध योजना का समाचार लाकर हमें दे देंगे। चिंतित तो अब राणा उदय सिंह और कुंवर प्रताप को होना पड़ेगा, क्योंकि राव सुरतन का असली रूप दोनों ने अभी तक देखा है। जब हम सब ये जानते हैं ये भीलों को हम अपनी शक्ति से नहीं जीत सकते, मात्र मैत्री संधि की एक सफल मंत्र ना ही उनको मुगलों के विरुद्ध यानी हमारे साथ ला सकती है राजीराज, फिर क्यों आप हमारे साथ आधी सेना भेज रहे हैं? इसलिए कुंवर प्रताप, यदि मैत्री वार्ता हमारी आशा के अनुरूप नहीं गई और बात बीच में ही बिगड़ गई तो आप गहरे संकट में फंस सकते हैं। राजीराज, आप ये भी तो समझने का प्रयास कीजिए कि यदि हम भीलों के पास अपनी सेना लेकर गए तो वे हमें अन्यथा भी ले सकते हैं, क्या पता फिर वे हमारे उद्देश्य को ही अपने विरुद्ध समझ ले, यानी कि मैत्री वार्ता आरंभ होने से पहले ही युद्ध छिड़ जाएगा उनके साथ। राजीराज, आपने हमें अपना विश्वस्त मैत्री दूत नियुक्त किया है, तो इस दूत की समझ पर विश्वास कीजिए, हमारी क्षमता पर विश्वास कीजिए राजीराज, अपने चुनाव पर विश्वास कीजिए। कुंवर प्रताप, आप हमारे पुत्र हैं, इसलिए हम आपको भीलों के पास अकेले जाने का विरोध नहीं कर रहे। आपके स्थान पर यदि कोई और सेना नायक होता तब भी हम उसकी सुरक्षा की ऐसी ही चिंता करते। हमारे लिए हमारे हर सैनिक का जीवन हमारे अभियान से कम प्रिय नहीं। कुंवर प्रताप, अकेले नहीं जाएंगे, राणा जी हम जाएंगे उनके साथ। हम आगे नहीं राणा जी। जय एकलिंग जी। आइए आचार्य जी। ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा प्रणाम गुरु। विजय भव। राणा जी, कुंवर प्रताप उचित कह रहे हैं, आप अपना पूरा ध्यान बूंदी पर आक्रमण के लिए लगाएं और इन भीलों को आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। किंतु आचार्य जी, आज तक आपने किसी राजनीति में भाग नहीं लिया, फिर आपने उचित कहा राणा जी, किंतु हमारे प्रिय शिष्य कुंवर प्रताप के स्नेह ने हमारे मन हमारे हृदय को मेवाड़ की गतिविधियों से इस प्रकार जोड़ दिया, यदि मेवाड़ पे कोई समस्या आए तो हम अपने आश्रम में हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। ठीक है आचार्य जी, जैसा आप गुरु शिष्य उचित समझे, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों रावत जी? तुरंत कक्ष खाली कर दो। जयवंता बाई जी, आप ही मेवाड़ की पाटवी महारानी हैं, इसलिए आप पर पूरा विश्वास करके हम एक बहुत ही गुप्त और संकट भरा उत्तरदायित्व आपके ऊपर सौंपे हैं। आपके साथ इस संदेश से हम अपनी वो गुप्त सूचना बांट रहे हैं जो आपके अतिरिक्त हमने किसी और के साथ नहीं बांटी। जयवंता बाई जी, हम एक बहुत ही कठिन युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक ऐसा युद्ध जिसमें हमारे सामने दो दो शत्रु, बूंदी भी और मुगल। इन दोनों शत्रुओं की सेनाओं के सामने मेवाड़ के पास जो सेना है वो अपर्याप्त,
फिर भी हम अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध लड़ेंगे। संभव है युद्ध का निर्णय हमारे प्रतिकूल जाए, संभव है आपके हमारे बीच ये अंतिम संवाद। हम चाहते हैं कि आप अपने साथ सभी रानियों को साधारण वेशभूषा में अपनी राजकीय पहचान छिपाते हुए जितना शीघ्र हो सके राजमहल से निकल जाएं। जिस समय आप हमारा यह पत्र पढ़ रही होंगी, एक गाड़ी हमारे महल की गुप्त सुरंग के मुहाने मेवाड़ के राजकोष के साथ आपको तैयार खड़ी मिलेगी, जिसके साथ हमारे कुछ चुने हुए विश्वस्त सैनिक होंगे जो आपको बिजोलिया ले जाएंगे। इस समय वही आप सबके लिए सुरक्षित स्थान रहेगा। आपको तो पता ही, बिजोलिया में राव ममरख हैं जो मेवाड़ के सामंत। जब तक मेवाड़ का बूंदी और मुगलों के साथ तनाव समाप्त नहीं हो जाता, हमारी सभी रानियां आपके साथ बिजोलिया में ही रहेंगी। हमारा निवेदन है कि इस संकट काल में आप सब जितना हो सके छिपकर ऐसे रहें कि किसी को आपके वहां होने का आभास ना हो। राणा उदय सिंह। खान जी, आपके बातों से क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि आप मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कुछ ज्यादा ही आतुर हैं? कारण पूछ सकता हूं? मेवाड़ के साथ हमारे कुछ ऐसे हिसाब बाकी हैं जिन्हें जब तक हम पूरा नहीं करेंगे हमारी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। सुन रही हो? जब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम युद्ध में जा रहे हैं। पता नहीं युद्ध से हम लौट कर वापस आएंगे भी या नहीं। हुकुम, हमारे गुप्तचरों ने अभी अभी समाचार दिए हैं कि हम चित्तौड़ पहुंचे उससे पहले ही उदय सिंह बूंदी को चारों तरफ से घेरने की योजना बना रहे हैं। उदय सिंह यदि ये सपना देखना चाहते हैं तो उन्हें देखने दीजिए। अब तुरंत हमारी सेना को तैयार कीजिए और इससे पूर्व कि उदय सिंह हम पर आक्रमण करे, हम अपना महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चीचा, हमें पहला ऐसा किसी ने नहीं कहा। हम भी रानी हैं मेवाड़ की। राजीव भाई जी, युद्ध का समय चल रहा है और ऐसी आपात स्थिति में हमें अपने से पद में ज्येष्ठ और वरिष्ठ का आदेश बिना विवाद मानना चाहिए। और वैसे भी जीजा मेवाड़ की पांचवी महारानी है, उनका आदेश तो महल में सबको मानना पड़ेगा। ना हम छोटे बड़े पद से डरेंगे, ना महारानी के नाम पर, और ना ही जीजा की हर मूर्खतापूर्ण बात को मानेंगे। हम अपना महल छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। गिरजाचार्य, धीरबाई जी को मृत्युदंड देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। क्या कहा आपने? सुना सज्जा जीजा, क्या कहा इन्होंने? आप ऐसा नहीं कर सकती हैं जीजा। हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि राज आज्ञा की अवहेलना राजद्रोह माना जाता है। आपका इस समय हमारी बात ना मानना राजद्रोह की श्रेणी में आता है, जिसके लिए दंड मृत्युदंड ही है। ठीक है जीजा, चलते हैं। We'll be right back.
गुरुप्रताप, हमें विश्वास है कि आपको इस बात का आभास होगा कि जो हम करने जा रहे हैं उसका विपरीत प्रतिफल भी हो सकता है। हम जानते हैं गुरुवर, फिर भी हमें यह संतोष तो रहेगा कृष्णा की मृत्यु का बदला लेने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। सुभान अल्लाह, लगता है हम लोग मेवाड़ हासिल करने से पहले की अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुके हैं नाथा जी। सावधान रहना होगा कुंवर प्रताप, यहां से भीलों का क्षेत्र आराम होता है। जी गुरु। राम खान जी, अब यहां से आगे आपकी टुकड़ी को चलने की अनुमति नहीं है। यदि आप चाहें तो अपने टुकड़ी से सिर्फ एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। चलिए। रानी साहब, कुंवर जगमाल को हमें दीजिए, कम से कम आपको चलने में सुविधा तो होगी। नहीं कोकोया जी, हमारे पुत्र को हमारे पास ही रहने दीजिए, और ना आजकल जिसके हाथ में सत्ता आई है वो हमारे पुत्र को समाप्त ना करते। समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है। बैरम खान, कुंवर प्रताप, आप दोनों का हमारे जंगल में स्वागत है। बागियों के लिए क्या सजा होती है सुल्तान सिंह जी? मृत्यु दंड। हमें क्षमा कर दीजिए पुत्र। ये तो मात्र चाल है बैरम खान, अब तुम्हारी पूरी सेना को समाप्त कर देंगे हम।
तुम्हारी बहन को तो हमने तुमसे छीन लिया, और अब तुम्हारी माँ को तुमसे छीनने आ रहे हैं हम। जब हमारे जंगल में बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें न केवल अपने हथियार छोड़ने पड़ते हैं, उनको अपनी व्यक्तिगत शत्रुता और मित्रता हमारे भरोसे छोड़नी पड़ती है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जंगल में बाहर से कोई भी आए, चाहे वो जो भी हो, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे पहले कि हम काम की बात में लग जाएं, हम आपका स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। हम भील भी अपने अतिथि का सम्मान करना जानते हैं। आइए। कुंवर प्रताप, आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राणा खेता जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम वहां नीचे आपके लोगों के साथ बैठ सकते हैं? धन्यवाद। आइए गुरुवर। किस चीज से बनी है? ऐसी रोटी तो हमने कभी खाई नहीं है। माफ कीजिएगा राणा खेता, हम ये रोटी नहीं खा सकेंगे। आओ कुंवर प्रताप, ये हमारे जंगल के घास की बनाई हुई रोटी है। कुंवर प्रताप को तो ये बहुत पसंद है। अनेकों बार इन्होंने गुरुकुल में विशेष रूप से रोटी अपने लिए बनवाई है ना प्रताप? हाँ। राणा खेता, सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अगर आपने मेवाड़ के खिलाफ मुगलों के साथ हाथ मिलाया तो हम वादा करते हैं कि आपको इतना सारा सोना देंगे कि आपको कभी ये घास की रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी आपको फिक्र करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं राणा खेता जी, ऐसा करना आपके लिए अपने आदर्शों के विरुद्ध होगा। आप चाहे तो तटस्थ रहे, किंतु जब प्रश्न मातृभूमि की रक्षा का आएगा तब आपको भी अपना परम घातक देशभक्ति वाला रंग दिखाना ही पड़ेगा। ये लोग पहले मित्रता के नाम पर अपना हाथ बढ़ाएंगे, किंतु यहाँ जम जाने के बाद ये हमें अपने अनुसार जीने के रंग ढंग सिखाना आरम्भ कर देंगे। फिर ये हमारी संस्कृति को अपमानित करेंगे, हमारी जीवन शैली पर आक्रमण करेंगे, और विशेष रूप से ये जो आपके सामने है, ये व्यक्ति तो एक योद्धा कहलाने के योग भी नहीं है। प्रताप, ये एक दस्यु है, एक हत्यारा है ये। प्रताप, मेरा गन। बस। अब अगर तुम दोनों में से किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगे काट दूंगा तुम्हारी। और एक बात तुम दोनों ध्यान से सुन लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा यहां पर, ना राजपूत और ना मुगल। ये मेरा जंगल है,
यहां पर जितना मैं बोलूंगा उतना ही चलोगे तुम दोनों। अपनी अपनी तलवारें अपनी मायान में डालो, डालो हलो। कुंवर प्रताप, ये हमें इतना सोना दे रहे हैं कि हमारे लोगों ने कभी एक साथ देखा तक नहीं होगा, और तुम क्या दे रहे हो? मतलब भाषण के अतिरिक्त अभी अभी जो तुमने हमारे सामने झाड़ा, तुम छोटे हो अभी उम्र में, पर इतना तो समझते होगे कि तुम्हारे वंश ने कभी हमें अपना नहीं समझा, हमेशा बाहर वाला समझा है, हमारा तिरस्कार किया है, हमारी बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमारी सीमाओं में प्रवेश किया है। सच कहूं तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। राणा खेता जी, आप इस तलवार को भली भांति पहचानते होंगे, नहीं? बप्पा रावल की तलवार? जी हां, ये हमारे पूर्वज बापा रावल जी की ही तलवार है, जिन्होंने आपके पूर्वजों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके पूर्वजों ने अरबियों को खदेड़ने के लिए युद्ध किया था। ये उन्हीं की तलवार है। राणा खेता जी, आपको उन्हीं बापा रावल जी की सौगंध, आप इन मुगलों से हाथ मत मिलाइए। हमने अपने दाता से इस पूजनीय तलवार और बप्पा रावल की बहादुरी की कई कहानियां सुनी है, ये क्या कर रहे हैं आप राणा खेता? इस लड़के की फिजूल बातों में आकर आप हमारे इतने सारे सोने के आगे इसे अहमियत दे रहे हैं, इस सड़ी गली तलवार को? बैरम खान, इस पूजनीय तलवार के लिए जो अपशब्द तुमने कहे हैं, इससे पता चलता है कि तुम मुगल सचमुच हृदयहीन और बर्बर हो। हम अवश्य जानते थे राणा खेता जी, आप हमारा ही साथ देंगे, हम आपके बहुत आभारी हैं। नहीं प्रताप, हम तुम्हारी सेना में सम्मिलित नहीं हो सकते। इस तलवार के प्रति हमारे मन में कितना भी सम्मान क्यों ना हो, परंतु वर्तमान परिस्थिति की सच्चाई हम झुठला नहीं सकते। इसका मतलब है राणा खेता कि आप हमारी फौज का साथ दे रहे हैं, है ना? नहीं बैरम खान, हम तुम्हारा साथ देकर इस पूजनीय तलवार का अपमान नहीं कर सकते, परंतु हमारे जंगल से तुम जहां भी जाना चाहो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। कुंवर प्रताप, मैं तुम्हारे लिए इतना तो अवश्य ही कर सकता हूं कि मैं बैरम खान का साथ ना दूं, परंतु इससे अधिक उपेक्षा मुझसे मत रखना, क्योंकि तुम्हारा युद्ध है
तुम्हारी लड़ाई है, हमारी नहीं। और यदि मेवाड़ को अपनी स्वतंत्रता से इतना ही प्रेम है तो अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए मेवाड़ को रास्ता स्वयं ढूंढना होगा। हमारे वीर सैनिकों, एक बात समझनी है आप सबको। जी हुकुम। ये बात हम समझाएं या आप समझ जाएंगे? हम समझाएं। आपको हर समय हमें घेर के रखना होगा, समझ गए? जी हुकुम। और एक बात, हम राजा हैं आपके, ये बात मत भूलिएगा। और ये भी मत भूलिएगा कि आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप हर समय हमारी सुरक्षा प्रथम करें। यदि युद्ध में परिस्थिति कठिन हो जाए एवं विपरीत हो जाए और यदि हम आपको आदेश दे कि पीछे हट कीजिए तो आप क्या करेंगे? हाँ, परंतु उससे पूर्व क्या करेंगे आप? उससे पूर्व आप हमें सुरक्षित घेरे में लेकर हमें बूंदी तक पहुंचाएंगे, समझ गए? हमारी सेना वीर है, समझदार है, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है आप सबको। और हमें सबको मिलकर मेवाड़ पे आक्रमण करना है और जीतना है ये युद्ध, समझ गए? महाराज राव सुरतन जी की जय। 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 राणा जी, हमें ऐसा लगता है कि राव सुरतन की सेना में इन मुगल सैनिकों की टुकड़ी भी अवश्य होगी। तो फिर उनको भी हमारे जुझारू सैनिकों की तलवारों से कटने के लिए तैयार रहना होगा रावत जी। जी राणा जी, महाराणा उदय सिंह की जय। महाराणा उदय सिंह की जय। यलगार हो, आक्रमण! रुक जाओ, रुको रुको रुको, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यूसुफ जी, ये उदय सिंह जी रुक क्यों गए होंगे? क्या चल रहा होगा उदय सिंह जी के मस्तिष्क में? उदय सिंह जी, हमें तो लगा था कि हम यहाँ युद्ध भूमि में एक दूसरे के साथ युद्ध करने हेतु आए हैं, पर आप तो रुक गए। क्या मंशा है आपकी? हमारे साथ मिलकर आप प्रीति भोज करना चाहते हैं? राणा जी, आपके इस निर्देश से हम भी आश्चर्यचकित हैं। राव सुरतन सिंह, इससे पहले कि मेवाड़ और बूंदी के इस युद्ध में हम दोनों के सैनिक आपस में रक्त की होली खेलें, हम तुमसे अंतिम बार बात करना चाहते हैं। मात्र तुम और हम। उत्तर दीजिए, हम तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं राव सुरतन सिंह। बातचीत, वो भी युद्ध भूमि के बीच में अकेले? क्या पता सबके सामने हमें उठा के पटक दिया तो हम ही जाएंगे। बूंदी के साथ इस युद्ध से पहले हम अंतिम बार कूटनीतिक प्रयास करना चाहते हैं रावत जी। मुगलों की बातों में आकर बूंदी और मेवाड़ के बीच युद्ध राजपुताने के लिए शुभ नहीं है। किंतु राणा जी, ये राव सुरतन इस योग्य नहीं है कि इसे समझाया जाए, देशद्रोही है ये। राणा जी, एक और आप इस समस्त राजपुताने को एकत्रित करने के लिए प्रयासरत है, संघर्ष कर रहे हैं, वही दूसरी ओर ये राव सुरतन
इसने अपनी समस्त सेना की कमान बैरम खान के विश्वस्त मुगल सेनापति यूसुफ खान के हाथ में दे रखी है। राणा जी, यदि इसी समय इस देशद्रोही राव सुरतन को तलवार से नहीं समझाया गया तो की मानिए राव सुरतन हमारे समस्त राजपुताने को इन मुगलों को बेच देगा। राव जी, आपकी एक एक बात सत्य है, किंतु इस युद्ध से पहले हम अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए एक प्रयास अवश्य करना चाहते हैं, ताकि आने वाला इतिहास ये न कहे कि एक राजपूत ने दूसरे राजपूत के साथ युद्ध से पहले पर्याप्त प्रयास नहीं किए। जी राज। राव सुल्तान सिंह, क्या उत्तर है तुम्हारा? यदि भीलों ने अपने जंगल में से मुगलों को निकलने दिया तो कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी मुगल सेना चित्तौड़ के मुख्य द्वार पर होगी। उसके पश्चात चाहे हम जितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 40,000 सैनिकों से सुसज्जित मुगल सेना उसके सामने हमारी मुट्ठी भर मेवाड़ी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। क्या सोच रहे हैं आप? याद है गुरुवर, आप ही ने हमें एक बार कहा था कि सेना चाहे कितनी बलशाली ही क्यों ना हो, कितनी विशाल ही क्यों ना हो, उसके संपूर्ण शक्ति का केंद्र बिंदु उसका सेनापति होता है। यदि वो सक्षम है तो सेना भी सक्षम होगी। जितना कुशल संचालक सेना का सेनापति होगा, उतनी ही सशक्त उसकी सेना भी हो। कहा था ना अपने गुरु, हम आज भी इसी सिद्धांत पर अटल हैं। हम मुगल सेना को शक्तिशाली मानते हैं, इसलिए नहीं कि उसके पास 40,000 सैनिक हैं, अपितु इसलिए कि उसका सेनापति बैरम खान जो इस समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ युद्ध संचालक है। गुरुवर, यदि युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले बैराम खान को मार दिया जाए तो ये तो स्थिर है आपका? मुगल खेमे में घुसकर बैराम खान को मारने की योजना बना रहे हैं, ऐसी कल्पना करना, ऐसी योजना भी बनाना आत्मघाती योजना है, निसंदेह। किंतु गुरुवर, हम पकड़े जाने से पहले या मार दिए जाने से पहले बैराम खान को मारने में सफल हो गए तो हम अभी भी इस युद्ध की दिशा को हमारी सेना के पक्ष में मोड़ सकते हैं। गुरु, इस समय हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। राव सुल्तान सिंह, शाह ये हमारे निकट आ रहे हैं, हमारे समीप आ रहे हैं। हमारे ख्याल से आपको भी जाना चाहिए महाराज। आपका ख्याल बहुत ही खराब ख्याल है। बैरम खान जी ने आपको यहाँ हमारी सुरक्षा करने हेतु भेजा है, ना कि हमें मरवाने हेतु, समझे आप? हुजूर, सामने खड़ी फौज को जल्द हराने के लिए हमें उदय सिंह को जंग शुरू होने से पहले ही खत्म करना पड़ेगा, और इसके लिए फकत इतना ही करना है हुजूर कि आपको कुछ समय के लिए उदय सिंह को अपनी बातों में उलझाना पड़ेगा। अर्थात पीछे से छुपकर वार? क्यों, इससे क्या आपके जमीर को तकलीफ होगी? जमीर का क्या मतलब होता है? आत्मसम्मान, इसमें तो हमारा सम्मान होगा यदि आप उदय सिंह जी पे वार करेंगे और उनको मार देंगे तो हमारा तो सम्मान होगा, परंतु अवश्य मारिएगा, क्योंकि हम आपके भरोसे आगे बढ़ रहे हैं, आपके भरोसे हम जीवित रहेंगे, समझे आप? आप बेफिक्र होके जाइए हुजूर, हम हैं ना पीछे।
जिब्बा उड़ा होंगे। जा रहे हैं परंतु आप जो है ना पीछे अवश्य पड़े तो है ना आगे आ जाइएगा। क्या हुआ राव सुल्तान सिंह? युद्ध की घोषणा करने का साहस है किंतु बात करने का साहस नहीं है। अब तो हम अपने शस्त्र भी छोड़ा है। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, समझ क्यों नहीं रहे आप? इतनी असुविधाएं झेल रहे हैं हम, आपको अपनी मासा की असुविधाएं नहीं दिख रही हैं? क्यों अपनी मासा की पीड़ा बढ़ाए जा रहे हैं कुंवर जगमाल? बहना, आप क्यों छोटी छोटी बातों पे तमक जाती हैं? लाइए हमें दीजिए कुंवर जगमाल को, हम इसे भोजन खिलाते। कोई आवश्यकता नहीं, जब भूख से तिल मिलाएंगे तब अपने आप खा लेंगे। कुंवर जगमाल रुकिए। कुंवर जगमाल को हमें दीजिए, हम इन्हें भोजन खिलवाते हैं। आप भी आइए। आप भी जाइए। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, जीजा थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। जब से यात्रा आरंभ हुई है तब से आप माला फेर रही हैं, थोड़ा आराम दीजिए, अपने तन और मन को दो घड़ी नींद कर लीजिए। कैसे आएगी सोचा बिना नहीं, नहीं आ सकती। जब मन में इतना हाहाकार मचा हो कैसे आएगी? नहीं, ईश्वर जाने कैसे होंगे राणा जी और उनकी सेना। ये आपको राजमहल छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था जीजा। वहां होते तो उनकी स्थिति की जानकारी मिलती रहती हर समय, पर उस वक्त आपको अपनी महारानी का पद का उपयोग करना था, है ना? बैनादीर भाई जी, आप क्यों हर बार कड़वा बोलती हैं? जीजा, आप जो इतने सच्चे मन से भगवान को याद कर रही हैं, तो देखना भगवान के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल होगा। कुछ नहीं होगा, ना हमारी सेना को, ना राणा जी को और ना कुंवर प्रताप को। सब ठीक होगा। यदि हमारे इतने समझाने के पश्चात भी आप अपने निर्णय पर अटल हैं तो फिर ठीक है, बैरम खान को मारने के लिए हम जाएंगे आपके साथ। किंतु गुरुवर, इस विषय पर और विवाद नहीं। अरे विनदास, अरे छकरपाणी विनदास, आइए आइए। बात मत कीजिए हमसे बाबूजीराज। हाँ, उठाइए तलवार हमारे विरुद्ध, आज आपको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। हाँ, ये क्या? क्या कर रहे हो गुरुवर? गुरुवर कहिए ना इन दोनों से रुकने के लिए। ये क्या कर रहे हो दोनों? यदि हमारे शिष्य आपस में ही लड़ेंगे तो नैतिकता ये कहती है कि हमें निरपक्ष रहना होगा। बाबूजीराज, आप तो बड़े स्वार्थी निकले। जिस समय आपको मित्र की अधिक आवश्यकता थी उस समय आप हमें भूल गए। जब आपने मुगलों के खेमे में जाने की बात सोची आप तो हमें लेके जाना भूल ही गए ना, अर्थात आपने हमें मित्र ही नहीं माना।
जब आप हमें मित्र नहीं मानते, इसका अर्थ यही हुआ कि आप हमें शत्रु मानते हो। नहीं, और जब आपने हमें शत्रु मान ही लिया है तो चलाइए हम पे तलवार, चलाइए बाजीराज, चलाइए तलवार हमारे पर, चलाइए बाजीराज, चलाइए तलवार। रुको, क्षमा कीजिए मित्रों, हमसे भूल हो गई। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण हमारे मित्रों के प्राण संकट में जाएं। वैसे ही कितने मित्रों को खो चुके हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए हमने नहीं बताया। क्षमा कीजिए हमें। अब तो बड़े स्वार्थी निकले बाजीराज। जब मातृभूमि के लिए जान देने का समय आया तब आप अकेले ही चल पड़े। एक व्यर्थ सा लंबा जीवन हमें नहीं चाहिए बाबूजीराज। सच तो ये होता कि हम मेवाड़ के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दे। आप जैसे मित्र के लिए प्राण देना हमारे लिए 100 जन्मों से अच्छा है। सौभाग्यशाली हो जो तुम जैसे मित्र हमारे साथ है। विजय भाव, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि चाहे हमें प्राण आगे को ना कमाना पड़ जाए, हम अपने अधिकार तक मातृभूमि की रक्षा करेंगे। जय क्लीन जी, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय बस रुकिए, आप रुकिए वहीं पर। हमने सुना है कि आप बिना शस्त्र के भी आप किसी को भी मारने की क्षमता रखते हैं, और थोड़ा सा अनुभव तो हमारा हुआ था, ऐसे जो घोड़े पे लटका के हमें लेके गए थे, कीचड़ में डाला था, वहीं पर। आओ सुल्तान सिंह, ये समय और ये स्थान मूर्खतापूर्ण बातें करने के लिए नहीं है। मुगलों ने क्या तुमसे तुम्हारी सारी समझ छीन ली है? मुगल अपने स्वार्थ के लिए बूंदी और मेवाड़ को आपस में लड़वाना चाहते हैं। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? मुगल चाहते हैं कि हम दोनों आपस में लड़ें ताकि वो हम पर शासन कर सके। राव सुल्तान, अब भी समय, इन मुगलों के हाथों की कठपुतली मत बनो। राणा उदय सिंह, आपने जो ये संवेदनशील बात की है उससे मारो जी बावड़ा, परंतु अब इन बातों का समय बीत चुका है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है राव सुल्तान सिंह। अब भी हम तुम्हारे सारे वैमनस्य से भुलाकर अपने राज्य वापस लौट सकते हैं। हम ये भी भूल जाएंगे कि हमने आज से पहले तुम जैसा देशद्रोही नहीं देखा। तुमने अपने षड्यंत्रों से हमारे पुत्र की जान लेने की चेष्टा की थी। समस्त राजपुताने की एकता के लिए हम तुम्हारे इस अपराध के लिए भी तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हैं। बस इन मुगलों की मित्रता छोड़ दो राव सुल्तान सिंह। राणा जी, आपने हमारी और जो क्षमा का हाथ बढ़ाया है उससे कई अधिक बड़ा हाथ मुगलों ने हमारी और मित्रता का बढ़ाया है।
वचन दिया है मुगलों ने हमें कि मेवाड़ हमें सौंप दे। राव सुल्तान सिंह। राणा जी, राणा जी, ये बावला हो गया। राव सुल्तान कायर आक्रमण जंगल हो माता गुंडे बैठ 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 हमारी सूचना का पालन करो, हमारी रक्षा करो, पहले रक्षा करो। राणा जी चलिए। रावत जी हमारी तलवार दीजिए। किंतु राणा जी आपका रक्त बहुत बह रहा है। हमने कहा हमारी तलवार हमें दीजिए रावत जी। जी राणा जी। बाजीराज, क्या हम थोड़ी देर रुककर पानी पी सकते हैं? मित्र क्षमा कीजिए, किंतु हमारे पास गवाने के लिए अब समय नहीं है। बैराम खान भीलों के जंगल में प्रवेश करे इससे पहले हमें वहां घुसना है। हम देखते हैं कौन है छुपके तीर चला रहा है। बुरा सपना देखा था सच्चा पेना। जब दो सेनाओं में युद्ध चलता है, जीवन और मृत्यु का कुछ ऐसा खेल चलता है कि जब भी आंखें बंद करो बुरे बुरे सपने, और आंखें खोलो तो और भी बुरे सपने। जीजा आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा राणा जी को। हम कह रहे हैं ना, नहीं होगा। अब सच कह रहे हैं सच्चा बेना, सच में राणा जी को कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं ये तीर भील ही चला रहे हैं। यदि आपको युद्ध ही करना है हमसे तो सामने क्यों नहीं आते? आओ सामने। सावधान।
अच्छा लगा राणा जी के लिए आपको चिंता करते देख, वरना आपके पास समय कहाँ बचता है कुंवर प्रताप से। आवश्यकता से अधिक राणा जी ने जो आप पर स्नेह बरसाया, उसी से आपके मन में पहली बार राणा जी के लिए थोड़ा बहुत सरोकार जगा है, है ना चीजा? बैना, इस बार इतने समय बाद राणा जी ने जीजा की ओर ध्यान क्या दे दिया? आप तो उनके विरोधी हो बैठी हैं। और क्षमा कीजिए बैना धीरबाई जी, जहां तक बात है कुंवर प्रताप की, तो अपने प्रयासों से भीलों का मन जीत पाएंगे कि नहीं, उसकी प्रतीक्षा और अपेक्षा जितनी आपको है उतनी हमें भी। सही कहा आपने, कुंवर प्रताप के लिए चिंता तो हमें भी है। नहीं था कि भील अपनी देशभक्ति के साथ साथ दिया हुआ वचन भी निभाना भूल चुके हैं। कुंवर प्रताप, गुरुवर, हम अनुचित क्या कह रहे हैं? इन्होंने हमें इस युद्ध में तटस्थ रहने का वचन दिया था, क्या यही है इनकी तटस्थता? बैरम खान के स्वर्ण ने चुंदिया ही दी ना आपकी आंखें। यदि आपको लगता है कि आप यहां हमें सरलता से मार देंगे और वहां राजपूत मुगलों के आगे अपने घुटने टेक देंगे, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे देह में रक्त की एक बूंद भी रहेगी, सौगंध है हमें इस मातृभूमि की, हम उन विदेशी मुगलों के अपवित्र पग हमारी पवित्र मातृभूमि पर रखने नहीं देंगे। फिर चाहे हमें इसके लिए किसी से भी क्यों ना लड़ना हो। राणा जी, राव सुल्तान के इन सैनिकों को हम संभालते हैं, तब तक आप अपने घाव का उपचार करवा लीजिए। आपका रक्त बहुत बह गया राणा जी। रावत जी, ये तो एकमात्र घाव है, हमारे दादीराज राणा सांगा तो 80 घाव लेकर भी रणभूमि को नहीं छोड़ा करते थे। किंतु राणा जी, नहीं लावा जी, जब तक अपनी तलवार से उस राव सुल्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं करते थे, तब तक इस घाव से यूं ही रख बहने दीजिए। राव सुल्तान, अगर आज हमारी तलवार के वार से बच सकता है तो बच। और मारो, मारो उदय सिंह को मारो। मरना नहीं है, मारना है, मारना है। कुंवर प्रताप, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, भावुकता दिखाइए, किंतु उचित समय पर। बहुत जोश है कुंवर, इस आग को और जोश को कम मत होने देना, हमेशा जीवित रखना। हमारे पास व्यर्थ बातें करने के लिए समय नहीं है, यदि आपको युद्ध ही करना है तो हमसे आइए, युद्ध कीजिए हमसे। गुरुवर, हम इन पर आक्रमण कर तुरंत बचते हुए यहाँ से अपना अभियान पूरा करने के लिए चलेंगे। चलिए गुरुवर, आइए। क्या हुआ गुरुवर? गुरुवर, गुरुवर, आप ये